सत श्री अकाल जी, मैं केबी ब्राड ते तुसी देख रहे हो चैनल शान पंजाबी मान पंजाब ते इस वेले दी वड्डी खबर तुहाडे नाल सांझी करन जा रहे हैं। दस दिन दे खबर ज्ञानी हरप्रीत सिंह दे नाल जुड़ी हुई है। तुहानू दस दिंदे आ कि श्री अकाल तख्त साहिब दे जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह दे वल्लों एक वड्डा बयान दिता गया, जिस दे विच उहनां दे वल्लों हर एक सिख नूं एक गुजारिश की गई है, एक अपील की गई है। दरअसल इस बयान दे विच ज्ञानी हरप्रीत सिंह दे वल्लों हर एक सिख नूं अपील की गई है कि हर एक सिख अपने कोल एक एक लाइसेंसी हथियार जरूर रखे। इन्हां हालातों नूं मद्देनज़र रखते हुए उहनां दे वल्लों एक गुजारिश की गई है कि मॉडर्न हथियार हर एक सिख नूं अपने कोल रखना चाहिए। मौजूदा हालातों नूं देखते हुए उन्होंने वालों वड्डा बयान दिता गया। दस दिंदे आ कि इस बयान तो बाद हुण पंजाब की सियासत भी गरमाउंदी हुई नज़र आ रही है। इस ते लोकां दीआं प्रतिक्रियावां आउणियां शुरू हो चुकियां ने, जिथे कुछ लोगों के वालों इस बयान का विरोध किया जा रहा है, उत्थे कुछ लोग इस दे नाल सहमति जताउंदे हुए भी नज़र आ रहे हैं। जिथे मनिंदर मिट्टा के वालों ज्ञानी हरप्रीत सिंह के इस बयान का विरोध किया गया, उत्थे ही बीबी जंगीर कौर दे वल्लों इस दे नाल सहमति जताई गई है। तां की कहना सी ज्ञानी हरप्रीत सिंह दा, आओ दिखाउंदे आ तुहानू। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज मेरी पीरी दे मालक साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह जी दा गुरियाई पर्व है, और इस महान गुरियाई पर्व दियां समूह गुरु नानक नाम लेवा सिख संगतां नूं, समुचे गुरु खालसा पंथ नूं बहुत 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 वधाई। मेरी पीरी दे मालक साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह, जिन्हां ने पंज भौतक तन दे विच विचरदिआं वकत दी हकूमत दे नाल चार युद्ध लड़े और चारां दे विच ही फतेह प्राप्त कीती। पूरे हिंदुस्तान दे अंदर, गैर मुसलमान लोगां दे अंदर यह धारणा सी कि इस शक्तिशाली साम्राज नूं, हकूमत नूं कोई भी चुनौती नहीं दे सकता। लेकिन श्री गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह जी ने चार युद्ध लड़के चारां दे विच जित प्राप्त करके इस धारणा नूं तोड़िया, श्री अकाल तख्त साहिब की सिरजना की। श्री अकाल तख्त साहिब की सिरजना दे नाल नाल सिख संगतां नूं उपदेश सिख्या दित्ती कि हुण वक्त आ गया कि हर सिख जिथे बाणी पढ़ के बलवान होवे उथे शस्त्रधारी जरूर होवे। घोड़सवारी, शस्त्र विद्या, ये जिहड़े गुण है, ये जिहड़ियां कलावां ने, ये हर सिख जिहड़ा है वह जरूर सीखे। गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह का यह उपदेश अज भी कारगर है, अज भी जरूरत है साडे खास तौर पर सिख नौजवान बच्चे बच्चियों नूं कि गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह के आदेशों की यह पालना करदे आ। शस्त्रधारी होइए, गतकेबाजी, तलवारबाजी, निशानेबाजी, ये जिहड़ियां कलावां ने इन्हां दे विच सुसिख्यत होइए, और हर सिख लाइसेंसी जिहड़े मॉडर्न हथियार ने लीगल तरीके दे नाल वह भी जिहड़ा है वह रखण दा हर सिख यतन जरूर करे, क्योंकि समां इस तरह का जिहड़ा है वह आ रहा, हालात इस तरह के जिहड़े बन रहे हैं कि हर सिख अपने आप नूं बाणी पढ़ के, नाम जप के, भजन करके बलवान बनावे और नाल नाल तंदुरुस्त होवे, नशियां तो रहत होवे, क्योंकि नशे जिहड़े ने इह शरीर गाल रहे ने, नशे साडे परिवारां नूं बर्बाद कर रहे ने, नशे साडे घरां नूं बर्बाद कर रहे ने, नशे साडी जमीर मार रहे ने, नशे साडी मत मार रहे ने। असीं इन्हां नशियां तों खहिड़ा छड़ाईए, ते नशियां तों खहिड़ा छड्डण दा इक्को ही तरीका है कि असीं बाणी वाले पासे आईए, बाणी दे धारनी बणीए, सतसंगत करिए। इहो ही गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह दा उद्देश है। मैं एक बार फिर मेरी पीरी दे मालक साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी दी गुरियाई दिवस दीआं